गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप? मैं खुदाम के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो सीन है घर में, आपको बताना चाहते हैं कि भाई साहब अचानक कहाँ गए हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहें हमारी वीडियो को एंड तक। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। अभी मेरी इवनिंग ड्यूटी थी, आज मैं खुद ही जा रही हूँ गैरेज से, गाड़ी को भी खुद ही निकालूंगी, हर चीज़ मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। तो चलें अभी मैं पहले गाड़ी निकालूँ ताकि मैं ड्यूटी पर टाइम से पहुँच सकूँ। तो गाड़ी निकालते हैं भाई। ये गाड़ी खड़ी है, वरने ये गाड़ी शाही साहब निकालते थे, आज मैं खुद ही निकाल के ड्राइव करके जाऊंगी। चलें जी अभी मैं गाड़ी को, तो चलें गाइस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आज मैंने ख़ुद गैरेज से गाड़ी निकाली, खुद ही ड्राइव करके ड्यूटी पे जा रही हूँ क्योंकि शाही साहब घर पर नहीं हैं। मैं कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि वो कहाँ गए हैं, किस लिए गए हैं और क्यों गए हैं। तो चलें अभी मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ, तो ड्यूटी के बाद जब वापिस आऊंगी तो आपको ये सारी डिटेल बताऊंगी। आज काफ़ी धूप है और गर्मी भी काफ़ी है, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो अभी ड्यूटी से मैं ऑफ हो चुकी हूँ और घर जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। ये देखें इधर सारे, आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें काफ़ी ट्रैफिक जैम है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रश है। अब देखें कब ये रश कम होता है। गाइस ये देखें बहुत ज़्यादा रश है, अभी लग रहा है कि ट्रैफिक खुल जाएगी, रूट लगा हुआ था। अब देखें बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें शुक्र है ट्रैफिक खुल गई है, अभी हम पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा रश था। गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, तो रूट लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ जाम थी। तो ये बहनी गैरेज पे गाड़ी को पार्क कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, और ये है जी मैथ्यू मामा के इंतजार में। चलें और आज मैथ्यू की आप ड्रेसिंग देखेंगे ना, आपको मैं दिखाती हूँ, आप समझ मैथ्यू की आप ड्रेसिंग देखेंगे ना, चलें मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्लैंकेट में लेटा हुआ था, चले उधर जाओ। ये देखें जी मैथ्यू की, ये देखें गर्मियाँ आ गई हैं और मैथ्यू ने ट्राउजर पहन लिया और ऊपर ब्लैंकेट, क्योंकि आपको हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है, फैन ऑन कर दो। अभी मैं घर फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? गाइस फ्रेश होने के बाद मैं किचन में आई हूँ कि खाना देखूँ। ये मेरा बड़ा शहजादा, ये मेरे लिए शामी कबाब बना रहा है पहले इनके। ओहो तो रहने दो मैं बना लेती हूँ, पहले इनके डैडी होते हैं वो ये काम करते हैं, आज मेरा बेटा कर रहा है। इस बैनी की मॉर्निंग ड्यूटी थी, मेरी तो मेरी इवनिंग थी, मैं दोपहर का खाना बना के मैं ड्यूटी पे चली गई, और ये इवनिंग में मेरे लिए शामी बना रहा है, ठीक है जी। अच्छा मम्मा इसके बाद रोटी बना लेना, तो अच्छा, रोटी इसके बाद खा लेंगे क्योंकि चल ठीक है, आप ये शामी बना लो ना, तो शामी थोड़े थोड़े तुमने लग रहा है ज्यादा ही, इसमें एग नहीं डाला। अच्छा एग के ऊपर कोटिंग नहीं की, चलो ठीक है ये करो ना जल्दी से शामी, तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तो गाइस ये मैं
इनके लिए रोटी बना रही हूँ, उन्होंने फरमाइश की थी कबाब के साथ पराठा खाना है, तो ये लें जी पराठा रेडी हो गया है मैथ्यू का और बैनी का। ये लें जी, ये दो पराठे हो गए और ये कबाब है, तो चलें जी शुरू करते हैं खाना। गर्ल बहुत भूख लगी है, ये मैंने रोटी नहीं लिया है और पहले हम ये वाला सालन टेस्ट करते हैं। चलो जी खाएं जी। ये कबाब भी आपके लिए बनाए हैं मैथ्यू भाई के लिए और आपके लिए और ये भी। चलो जी पैकिंग शुरू करो। मेरी फेवरेट चीज तो लाई नहीं है। कौन सी? केचप। ओ केचप ले आओ बहनी अंदर से। चलो ये लो जी आपका केचप भी आ गया, चलें खाना खा लें फिर बात करते हैं। तो हम लोग फाइनली डिनर कर चुके हैं, खाना वाना हमने खा लिया है, तो अभी आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मैथ्यू और बैनी का डैडी अचानक शाह साहब को अचानक आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, वो इसलिए कि लास्ट मंथ मेरे मामू की जो बहू है भाभी है हमारी, उनकी डेथ हो गई थी, तो हम लोग नहीं जा सके क्योंकि घर के थोड़े से प्रॉब्लम थे, मैथ्यू के एग्ज़ाम हो रहे थे, बैनी भी ड्यूटी पर था, मैं भी ड्यूटी पर जाती हूँ, बैनी भी ड्यूटी पर जाता है, तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो अभी अचानक से शाह साहब क्यों गए हैं? इस वजह से गए हैं कराची अचानक से क्योंकि अभी मैथ्यू की छुट्टियाँ, मैथ्यू की छुट्टियाँ स्कूल की, हाँ स्कूल की छुट्टियाँ थी 23 मार्च की हुई, मेरी भी अभी ड्यूटी चल रही है, मैथ्यू की भी बैनी की भी चल रही है, लेकिन मैथ्यू के लिए प्रॉब्लम हो रहा था कि इसे हम कहाँ छोड़ें, तो इसे हम फिर थोड़ी देर के लिए चाचू लोगों के घर छोड़ देते हैं, तो ये वहाँ पर रहता है, तो बैनी जब आता है ड्यूटी से तो इसको वहाँ से ले लेता है, ठीक है ना, और फिर रात को मैं आ जाती हूँ, तो इस वजह से शाह साहब को अचानक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब मैथ्यू की छुट्टियां हैं तो मुझे जान दो वो, क्योंकि बाद से छुट्टियां नहीं होनी, फिर मैथ्यू को स्कूल कौन छोड़ेगा, कौन लेगा, मैं तो कुछ जा सकती हूँ गाड़ी चला के, लेकिन मैथ्यू को छोड़ने लाने का मसला हो जाता है। मैं भी कह रहा था, चलो डैडी ने कहा था हम घर पे हम पापा के सब लोग ना, हाँ मैथ्यू का फुल मूड था साथ जाने के लिए, लेकिन वो इसके डैडी ने कहा नहीं आप मामा के साथ रहोगे, फिर मामा पीछे आपके बगैर नहीं रहती ना, फिर ब्लॉग भी बनाना होता है, क्यों बैनी? हाँ तो आज बैनी ने भी किचन के काफी काम किए हैं मेरे साथ, मैंने वो जो बर्तन पड़े थे वो, हाँ इसने मेरे आने से पहले किचन नीट किया, सारे छोटे मोटे काम किए। इनका डैडी नहीं है तो ये सब बहुत मिस कर रहे हैं अपने डैडी को, और बोर भी हो रहे हैं थोड़ा सा, डैडी नहीं है, अकेले अकेला लग रहा है, खाली खाली घर लग रहा है, तो इसके साथ ही हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारी वीडियो को पूरा एंड तक लास्ट भी देखा करें और शेयर भी करें, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा के जाइया करें, हाँ और इसके साथ शेयर भी करें, हो गया ना, इसके साथ ही बाय बाय।